Ah. स्वागत है दोस्तों आज के ब्लॉग में आपका। दोस्तों आज एक बार फिर से आ गया हूँ मैं इन्हीं खेतों में और वो दिखाने आया हूँ जो इनका नुकसान होता है। और नुकसान क्या है ये देखो, ये जो पत्ते पीले पड़ गए या ये हल्के हल्के ये देख रहे हो, ये थोड़े काले लाल पड़ गए, ये इनके लिए बेकार है। अब ये देखो ये बेकार हो जाता है, तो इसमें इनका ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो जाता है। ये देखो और लगे है, पूरा परिवार ही लगा होता है इसमें, ये नहीं कि अकेले खेती होती है, ये पूरे परिवार की मेहनत होती है दोस्तों। पूरे परिवार इसमें लगे होते हैं पूरे खेत में। अब देखो इसमें जो भी कुछ था पालक इसमें भी था, तो इसका तो निकल गया सब, लेकिन इसी तरह से नुकसान हो जाता है इनका। ट्रैक्टर रुक गया उधर, और ये बंध गई है पालक की गड्डी। लेकिन इसमें भी बहुत छांटने के बाद में तब भी रह जाती है, है ना, तब भी कुछ ना कुछ तो जाता है। लेकिन नुकसान देखो आप दोस्तों, नीचे ये जो इशारा जा रहा है मेरे हाथों का देखो, ये सारे पत्ते यही रह गए। अब ये देखो इधर भी देखो, ये देखो माता जी भी बांध रही हैं, लेकिन नुकसान देखो पहले। फायदा तो कम ही आता है दोस्तों इसमें, लेकिन हाँ मेहनत ज़्यादा है। कितनी मेहनत होगी, पूरे 12 महीने की होती है मेहनत कि नहीं? अब ये देखो, अब ये पीले पत्ते इसमें से निकाल देंगे खुद ही, बाकी कुछ ना कुछ चला जाता है तो ग्राहक उस पर एतराज उठाता है कि तुम्हारा सामान खराब है। लेकिन दोस्तों कोशिश तो ये लोग यही करते हैं कि यही निकाल दें इसको। तो मैंने बताया जैसे आपको पूरा परिवार ही लगता है, ये नहीं कि अकेले हम जैसे हम ड्यूटी करने जाते हैं नौकरी करने जाते हैं, ऐसा नहीं है इनका, ये पूरे परिवार को लगना पड़ेगा तब जा कर के ये फसल तैयार होती है इनकी। ये देखिए जी पूरे सोया है ये, और सोया ओस से ढका पड़ा है पूरा, ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ में कोई घास वास हो ऐसे लग रहा है, लेकिन ये सोया है दोस्तों, धनिया की प्रजाति है सोया। देखो ये ढका पड़ा है पूरे पोस्ट से और बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, तो पास में हूँ कि ओस है दोस्त, देखिए बूंदे देखिए ओस की, देख रहे हैं आप छोटे छोटे चीनी की तरह लग रही है ये बूंदे। तो बस